अयोध्या। ये नाम सुनते ही मेरा दिलो दिमाग दो भागों में बंट जाता है। पहला ख्याल आता है बचपन से सुनती आ रही रामायण की कहानी में बसी वो नगरी जहां विष्णु के अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने अपने राम राज्य से अलग एक मिसाल कायम की थी। फिर पलक झपकाकर जब मैं दोबारा सोचती हूँ तो अखबार और न्यूज चैनल में चल रही हेडलाइंस और विवाद सामने आ जाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा, लेकिन क्या अयोध्या बस इसी विवाद के बीच सिमट कर रह गई है? क्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के अलावा इस जगह में और कुछ बचा नहीं है? हाँ, अगर राजनीति और विवाद से ऊपर उठकर इस शहर को घुमक्कड़ की तरह देखें, तो मेरे नजरिए में तो ये जगह सिर्फ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के अलावा भी कई दिलचस्प नगीने अपने गोद में छुपाए बैठी है। जरूरत है तो बस एक नजर देखने की। अगर आप भी मेरी तरह बस इस जगह का नाम सुनकर इस शहर में छुपे राज और शिल्पकारी के अजूबे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तो मैं आपका काम आसान कर देती हूँ और बताती हूँ कि क्यों अयोध्या की ओर होनी चाहिए आपकी अगली यात्रा। जब अयोध्या की बात करें और रामायण का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। त्रेता युग में रची गई रामायण और उसके पात्रों से जुड़ी कई जगह इस शहर में मिलती है, यानी आप खुद पौराणिक गाथाओं को जीवित होता देख सकते हैं। रामायण के मुख्य पात्र राम और सीता के विवाह में एक तोहफे में दिया गया ये खूबसूरत कनक भवन किसी महल से कम नहीं है। कनक का मतलब है सोना, और आप पीले रंग में रंगे इस भवन को सामने से देखेंगे तो बिल्कुल यही लगेगा कि जैसे ये सोने का बना हो। इस भवन के अंदर चांदी के बने मंडप के बीच भी सोने के मुकुट और आभूषण पहने राम और सीता की मूर्ति रखी गई है। बुंदेलखंडी और राजस्थानी शिल्पकारी का ये कॉम्बिनेशन इस भवन की चौखटों और किनारों पर साफ देखा जा सकता है। माना जाता है कि श्री राम का कोई काम हनुमान के बिना पूरा नहीं होता। वैसे ही माना जाता है अगर कोई अयोध्या आता है तो हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बिना उसकी यात्रा तो अधूरी ही रह जाती है। एक टीले पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 70 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। केसरी रंग में रंगे ऊंचे स्तब्धों से घिरे मंदिर के कक्ष में आपको माता अंजनी और बाल हनुमान की प्रतिमा देखने को मिलती है। अगर धर्म और शिल्प कला का संगम देखने के लिए अयोध्या आ रहे हैं तो दशरथ भवन देखना बिल्कुल ना भूलें। सुंदर कलाकारी से सजी रंगीन दीवारें अपने आप में सरल भी है और राजसी भी। माना जाता है कि महाराज दशरथ अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही बसा हुआ है। अगर आपको दशरथ महल की शिल्पकला पसंद आती है तो नागेश्वरनाथ मंदिर भी जरूर जाएं। कुछ उसी तरह की रंगीन शिल्पकारी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान राम के पुत्र कुश ने इस मंदिर को एक नाग कन्या और भगवान शिव को समर्पित कर बनवाया था। पवित्र सरयू नदी के किनारे बना ये घाट हिंदुओं के लिए काफी अहम है। माना जाता है कि श्री राम ने यहीं पर जल समाधि लेकर धरती से पलायन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पौराणिक कथाओं की माने तो यही रास्ता बैकुंठ धाम लेकर जाता है। इसी मान्यता के चलते हजारों लोग सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने यहाँ पर आते हैं। डुबकी लगाने के अलावा यहाँ पर शाम को डूबते सूरज का नजारा भी बेहद खूबसूरत लगता है। अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़े कई पहलू साक्षात नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस जमीन पर अवध की छाप छोड़ती कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जो भारतीय धरोहरों को और समृद्ध बनाती हैं। तो अयोध्या आए तो इस पहलू को देखे बिना यहाँ से ना जाए। फैजाबाद में बनी ये इमारत मुस्लिम वास्तुकला का नायाब नमूना है। यहाँ मुमताज की याद में बने ताजमहल को दुनिया प्यार के प्रतीक के रूप में देखती है। बेहू बेगम के मकबरे का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। इसे नवाब शजाउद्दौला ने अपनी पत्नी उन्मातूस जोहरा बानू के मरने के बाद उनकी याद में बनाया था। ये इमारत फैजाबाद की कुछ सबसे ऊंची इमारतों में से एक है।
और यहाँ से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। मकबरे को हरे भरे पेड़ अपनी हरियाली से घेरे रहते हैं। हालांकि इस इमारत का रखरखाव तो होता है, लेकिन इसकी हालत बहुत खास नहीं है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जगह अलग अलग तरह के गुलाबों से गुलजार है। दरअसल गुलाब बाड़ी नवाब शजाउद्दौला का मकबरा है। मुगल वास्तुकला के इस नमूने को देखने के लिए कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन मुहर्रम के वक्त सजावट के साथ इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। ये वो जगह है जहां बेहू बेगम रहा करती थी। अगर मुगल और नवाबी शिल्पकला का संगम देखना हो तो मोती महल आपके लिए सही जगह होगी। रेल यात्रा। रेल के जरिए अयोध्या पहुंचना काफी आसान है। आप सीधे अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं और आपको यहां आने के लिए कई ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर नई दिल्ली से अयोध्या जा रहे हैं तो आपको 667 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जो आप 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अयोध्या के लिए आपको सीधी उड़ान तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप गोरखपुर या लखनऊ एयरपोर्ट तक पहुँच कर वहाँ से बस या टैक्सी कर सकते हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट से अयोध्या की दूरी 140 किलोमीटर है, जिसे आप करीब 3.5 घंटे में तय कर सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या का सफर 150 किलोमीटर लंबा है, जिसे पूरा करने में आपको 2.5 घंटा लग जाएगा। अब आपके पास अयोध्या के बारे में सारी जानकारी है, तो अब आप भी यहाँ जाने की तैयारी कर लीजिए और इस शहर को विवाद के लिए नहीं, बल्कि इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक अहमियत के लिए याद रखिएगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।